इंतजार कर ही सकते हैं, उसके बाद फिर से आपसे बातचीत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम बातचीत करने के लिए। और इसी बीच अहम खबर दमोह से है, जहां पर स्टेशन से नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप किया गया। देर रात भोपाल से लौटी थी लड़की, रेलवे स्टेशन पर परिजनों का इंतजार कर रही थी, कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भोपाल गई थी। आपको ये बड़ी खबर दे रहे हैं दमोह से, जहाँ स्टेशन से नाबालिग लड़की को अगवा कर रेप किया गया और देर रात भोपाल से लड़की लौटी थी, रेलवे स्टेशन पर अपने परिजनों का इंतजार कर रही थी, तो वहीं कंप्यूटर ट्रेनिंग के लिए भोपाल गई हुई थी और जब वापस आई तो दमोह रेलवे स्टेशन पर उसको पहले अगवा किया गया और उसके बाद उसका रेप किया गया। तो बड़ी खबर है दमोह से, शर्मनाक खबर। जिस तरीके से कहा जाता है कि महिला अपराधों पर रोक लगाई जाएगी, एक बार फिर से उस पर बट्टा। और दमोह रेलवे स्टेशन पर नाबालिग लड़की का अगवा कर उसके साथ रेप किया गया और परिजनों का इंतजार कर रही थी, भोपाल से आई थी, भोपाल में कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के लिए गई हुई थी नाबालिग, और इसी दौरान उसके साथ ये विभत्स हादसा। तो तमाम वो दावे वो वादे जो किए जाते हैं महिला सुरक्षा को लेकर, एक बार फिर से झूठे साबित हुए। दमोह से खबर है, जहां पर स्टेशन से नाबालिग लड़की को अगवा किया गया और उसे देर रात उसके साथ रेप कर छोड़ दिया गया। देर रात भोपाल से लौटी थी लड़की, स्टेशन पर थी, अपने परिजनों का इंतजार कर रही थी, भोपाल से आई हुई थी, भोपाल में कंप्यूटर की ट्रेनिंग करने के लिए गई थी और जब दमोह के स्टेशन में वो अपने परिजनों का इंतजार कर रही थी, इसी दौरान उसका अपहरण किया गया और इस वारदात को अंजाम दिया गया।